नमस्कार, मैं मुजाहिद भारतीय डिजियाना न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। विराट कोहली नहीं है देशभक्त, ऐसा कहना है गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का। आज यहां प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का औपचारिक उद्घाटन करने पहुंचे गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच से उद्बोधन देते हुए बड़े ही उग्र हो गए। अपने अलग ही अंदाज में पन्नालाल शाक्य ने विराट कोहली के बारे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह पैसा भारत से कमाता है, प्रसिद्धि भारत में पाता है, लेकिन उसे विवाह के लिए भारत में कोई जगह नहीं मिली, पैसा लेकर विदेश में दे आया। इससे यह पता चलता है कि देशभक्त या राष्ट्रभक्त तो ये कतई नहीं हो सकता है। वहीं विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिना किसी का नाम किए एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि इटली के नाचने वाले यहां आकर करोड़पति हो गए हैं और विराट और अनुष्का यहां विदेशों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अपने इटली वाले बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों की माने उन्होंने कहीं ना कहीं यह निशाना कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर साधा है। नैपकिन बनवाया, बच्चों के प्रोडक्ट से बनाना चाहिए। केंद्र का औपचारिक शुरुआत आज हमारे बीच उपस्थित सारे अतिथिगण के कर कमलों के द्वारा किया गया है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लेता हूँ, आपको बड़ी बारीकी से समझ लेना। हम जो भी काम करेंगे, जिस स्तर पर ही करेंगे, अगर उसका महत्व राष्ट्र के लिए और इस देश के लिए ये नहीं गया तो वो रोजगार और पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, बेकार है। कैसे बेकार तो हम बता देते हैं यार आपको। एक बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका वैवाहिक संस्कार हुआ है। अभी विचार करने में आपको ये विचार करने के लिए बिंदु दे रहा हूँ। उसका विवाह संस्कार हुआ है और वो विवाह संस्कार करने के लिए, करवाने के लिए उसको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया क्या, हिंदुस्तान इतना अचूक है। अरे इस देश में राम का विवाह हुआ है, इस देश में कृष्ण का विवाह हुआ है, इस देश में विक्रमादित्य का विवाह हुआ है, इस देश में युधिष्ठिर का विवाह हुआ है और आप हम सबके भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। पर हमें कोई विदेश नहीं जाता, ये सब हो गया। पैसा यहां से कमा रहा है, प्रसिद्धि यहां से प्राप्त कर रहा है और अरबों रुपया मार ले गया विवाह करने के लिए। भारत की भूमि उसके लिए कोई मायने नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। एक व्यक्ति के रोकने का वहां पैसा, मेरे ख्याल से ऐसा सुनने में आया है, 1 करोड़ से ज्यादा लगा है। कम से कम 150 तो है हमें, ये ज्यादा लगा ये बता रहे हैं। उसी स्तर की उसकी वो दुल्हनिया, उसको बात भी उतने ही लोग गए होंगे, उसको भी राष्ट्रभक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, ना देशभक्ति का कोई ज्ञान है। अरे भैया मेरा बात बारीकी से सोचो। इटली के नाचने वाले या करोड़पति अरबपति बन गए हैं और तुम अपने देश की पूंजी को वहां जाके ले जा रहे हो, वहां जाके उसको दे के आ रहे हो, तो तुम क्या दोगे इस देश के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा आदर्श नहीं होगा ऐसा आदमी, कोई आदर्श नहीं होगा, चाहे वो फिर कितना ही बड़ा आदमी हो। हमारा आदर्श भाई हो सकता है जो सड़क पे चलने वाला है और देश के प्रति वफादार है, रोजी रोटी मेहनत से कर रहा है और अपना पसीना बहा रहा है। क्रांतिकारी युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के तत्वावधान में आज सचित्र प्रदर्शनी एवं पुष्पांजलि सभा का आयोजन स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर रखा गया। यह आयोजन साजी सारदश साजी विरासत सप्ताह जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत रखा गया था। गौरतलब है कि सप्ताह में भारत के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्ला खान, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी एवं शहीद रोशन सिंह आदि भारत की आन बान और शान की खातिर फांसी पर झूल गए थे और शहादत का जाम पी लिया था। इसी उपलक्ष्य में आज DYO द्वारा साजी शहादत साजी विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत आज प्रथम दिवस जयस्तंभ चौराहे पर सचित्र प्रदर्शनी एवं पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारत के वीर सपूतों की जीवनी के बारे में लोगों को बताया गया व उनके पैगाम को जन जन तक पहुंचाने की शपथ भी ली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ऑल इंडिया DYO के कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। अशफाक बिस्मिल युवा मंच के हटजगनपुर सीआई के राज्य कमेटी सदस्य श्री लोके हर पल मरने वाला
अपने अपने कामों में लगे हुए नागरिक है, उनको एक छोटा सा जो कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, ये दरअसल एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान समय में जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, ऐसे समय में डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सानी विरासत, सानी शहादत जैसे कार्यक्रम आयोजित करना इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में हमें अपने अतीत के किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, ताकि आने वाला समय जो युवाओं का समय है। आज काकोरी केस के शहीद अस्काफुल्ला खां, रामराव बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, उनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य में दीवायो गुना नगर कमेटी द्वारा आज यहाँ सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक एक विचार प्रदर्शनी और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे दिन भर देशभक्ति गीत और उनके विचारों का साहित्य वितरण किया जा रहा है, और जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी गुना एवं बमोरी विधानसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन आज किया गया। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी 2 जनवरी से प्रदेश भर की 230 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में जो बदलेगी मध्य प्रदेश यात्रा का आयोजन होना है, उस संबंध में भी यहां पर चर्चा की गई एवं रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर इस बैठक में गुना एवं बमोरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी 2 जनवरी से पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में बदलेंगे मध्य प्रदेश यात्रा का शुभारंभ कर रही है। उसी क्रम में आज गुना और बामोरी विधानसभा के साथियों के साथ बैठक, यात्रा की तैयारियों को लेकर, यात्रा के रूट प्लान को लेकर साथियों के साथ बैठकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो किसानों के मुद्दे हैं, महंगी बिजली को लेकर जो मुद्दे हैं, उनको लेकर भी आज यहाँ रणनीति तय की जा रही है, और जल्द ही उनको लेकर आंदोलन यहाँ शुरू किए जाएंगे। और अभी मुझे यहाँ के साथियों ने बताया है कि जो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो किसानों के मुआवजे संबंधी जो भुगतान उनके पास आ चुका है, जिसे वो रोक कर बैठे हैं, तो आम आदमी पार्टी जल्दी उन्हें ज्ञापन देकर मांग करेगी कि पैसा आपके पास आ चुका है तो उस पैसे को रिलीज़ करें और इंतज़ार ना करें, क्योंकि तो किसान पीड़ित है और अभी दोबारा से फसल का और सबका समय है, तो किसान। द लीडर्स क्लब गुना द्वारा कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन आज स्थानीय रोटरी भवन में रखा गया। इस परामर्श शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गुना पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल उपस्थित रहे। साथ ही यहां कैंसर के रोगियों की जांच के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर की वैन को यहां पर बुलाया गया था। उक्त वैन दिल्ली से कैंसर रोगियों के परीक्षण के लिए आज यहां गुना बुलाई गई थी। इस जांच शिविर में आज यहां 1 सैकड़ा से अधिक रोगियों की जांच की गई, जबकि उक्त मोबाइल कैंसर वैन के द्वारा एक दिन में लगभग 200 मरीजों की जांच की जा सकती है। अरे अमित, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित वैन है, जो कि दिल्ली से आई है। लीडर्स क्लब ने उनसे अनुरोध करा और ये वैन बुलाई गई है। इसमें कैंसर के रोगियों का कैंसर रोग का परीक्षण किया जाए। वैन का प्रतिदिन इन्वेस्टिगेशन करने का 200 पेशेंट्स का लक्ष्य है, और लगभग हम 100 क्रॉस कर चुके हैं अभी तक, और शाम तक और होने की संभावना है। आरोन में जैन समुदाय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक जैन विमान महोत्सव का आज समापन हुआ।
रविवार को इस आयोजन की शुरुआत 24 बड़ा जैन मंदिर से जिनेन्द्र भगवान की शोभा यात्रा निकालकर की गई थी। साथ ही यहां रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात कवियों द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गईं। आरुण जैन समाज द्वारा आयोजित इस आयोजन की यह विशेषता रही कि इस विवान महोत्सव में जैन श्रद्धालु भजनों के साथ साथ देशभक्ति गीत एवं भारत माता की वंदना भी करते रहे। साथ ही इस भव्य आयोजन के समापन अवसर पर श्रद्धालु जमकर नाचे एवं भक्ति में लीन दिखाई दिए। आरुण से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। उक्त सभा का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज में रखा गया, जहां आज ही के दिन शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में एबीवीपी के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हैं आज के दिन, उनको आज नम श्रद्धांजलि पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष एवं सभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। जिला प्रेरक संघ ने आज कलेक्टर को जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन। उक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि प्रेरक शिक्षकों के हितों का भी ध्यान में रखकर सरकार कार्य करे। यहां प्रेरक शिक्षक संघ का आरोप है कि उन्हें मात्र 2,000 रुपए ही मानदेय मिलता है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। वहीं इस दयनीय स्थिति में यूपी के आजमगढ़ की एक प्रेरक सुषमा ने बदहाली और तंगी से आकर आत्महत्या कर ली है। प्रेरक संघ ने यहां यह भी मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी ओर भी देखा जाए, क्योंकि प्रेरकों को हर सरकारी योजना में, चाहे वह नई हो या पुरानी, उनके काम के लिए छोड़ दिया जाता है और मानदेय देने के समय उनकी ओर कोई नहीं देखता। प्रेरक साथी ने आत्महत्या कर ली है और वो गरीबी के कारण की है, क्योंकि वो उसके पास रोजगार का सिर्फ एक ही साधन था और वो थी रोड शिक्षा में प्रेरक की नौकरी, जिसका हमें कोई विश्वास नहीं है कि वो बचेगी कि चली जाएगी। और उसमें भी हमें मानदेय 2,000 रुपये मिलता है और वो भी रुक रुक के मिलता है, यानी कभी 10 महीने का, कभी 12 महीने रोक देते हैं, कभी 6 महीने रोक देते हैं, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। हम लोगों पे ब्लेम लगा दिया जाता है कि आप लोग काम नहीं करते और हमारा वो मानदेय रोक दिया जाता है। इसीलिए हम सारे साथी प्रेरक यहाँ इकट्ठे होके आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने आत्महत्या किन परिस्थितियों में की, और आगे हम में से कोई ये कदम ना उठाए। इसके लिए हमें आश्वासन दिया जाए कि हम में से कोई महिला या पुरुष कभी आत्महत्या ना करे, इसलिए हम ये ज्ञापन देने यहाँ आए हैं। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परवाह से आज आदिवासी महिलाएं पहुंची कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में। यहां उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उनके ग्राम में काफी समय से पानी की समस्या है, उसका निराकरण किया जाए। पीड़ितों की माने तो लगभग 2 महीने से यहां बिल्कुल भी पानी नहीं है, कई किलोमीटर दूर जाकर उन्हें जरूरत का पानी मिल पाता है। हालांकि वे इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक एवं पंचायत के कर्मचारियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई निराकरण न होने की शक्ल में आज उन्होंने जनसुनवाई की ओर रुख किया। जी, मेरे गांव की आदिवासी महिलाएं, यहाँ 2 महीने से पानी की व्यवस्था पूरी तरह फेल है। इसको सूचना हमने पंचायत को भी दी है, विधायक साहब को भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बेचारी 3-3 किलोमीटर से पानी भरकर लाती है, रात को 3 बजे से जगती हैं, सुबह 8 बजे लाइट चली जाती है। आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिया है, तो उम्मीद है कलेक्टर जी महोदय हमारी सुनवाई करें इन महिलाओं की। ठीक, you
स्थानीय भुजरिया तालाब के समीप लगे मीट मार्केट को हटाने की गुहार लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का कहना है कि पिछले दो सालों से लगातार वे संबंधित विभागों एवं जिलाधीश महोदय को इस संबंध में ज्ञापन देते आ रहे हैं कि उस मीट मार्केट को वहां से हटाया जाए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई कार्यवाही इस ओर नहीं की गई है। इसके बाद आज पुनः कलेक्टर की जनसुनवाई में यही आवेदन लेकर पहुंचे कि जल्द से जल्द इस मीट मार्केट को यहां से स्थायी रूप से हटा दिया जाए। अब देखने लायक होगा कि कब इनके आवेदन पर कार्यवाही हो पाएगी। समस्या ऐसी है कि लगभग दो साल पहले भुजरिया तालाब क्षेत्र में नगर पालिका गुना द्वारा अवैध मीट मार्केट रखवा दिया गया था, जो कि आज तारीख तक परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार गुना जिले के ऐसे कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी हमने नहीं बाकी छोड़े जिनको हमने इस समस्या के लिए ज्ञापन और निवेदन ना किया हो, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। कई बार कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, आज फिर वही ज्ञापन देने आए हैं और आज फिर हमें आश्वासन मिला है कि उस पर जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन हमने 8 माह पहले माननीय SDM महोदय के न्यायालय में न्यूसेंस का एक 133 का मुकदमा इसी समस्या के लिए लगाया था, जिसमें हमें माननीय SDM महोदय ने आवश्यक जांच करके मौका मुआयना करके वहां स्थायी रूप से उस अवैध मीट मार्केट को हटाने का आदेश दे दिया है, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी आज तारीख तक नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्पष्ट मुझसे मना कर दिया है उन्होंने कि हमारा एक कर्मचारी वहां नहीं जाएगा। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO ने आज स्थानीय PG कॉलेज में जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने आज ही के दिन इसी सप्ताह में शहीद होने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी एवं शहीद अशफाकुल्ला खान के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी यहाँ DSO के कार्यकर्ताओं ने लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में DSO के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन किसी भी नेता का जब जन्मदिन होता है तो अखबार में बड़े बड़े नेताओं के फोटो आते हैं, तो आज स्थिति यह है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि जहां पर शहीदों को जिन्होंने इस देश पर बलिदानी दी और इस देश को आज़ाद कराया, आज उनके लिए अखबारों में कई जगह हम स्थिति देख रहे हैं कि इन शहीदों को याद नहीं किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि जो लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और DSO के द्वारा हम लगातार इन शहीदों के दिवस मनाते हैं, उनके विचारों को छात्रों युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मकसद से आज इस कॉलेज में पुष्पार्पण कार्यक्रम रखा था और यहाँ साथ ही में कुछ छात्रों ने गुना PG कॉलेज के छात्रों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जिसमें देशभक्ति गानों की प्रस्तुति की। धरनावर क्षेत्र के ग्राम भुलाए से आज बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई। यह ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर आज जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उक्त ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनके क्षेत्र में जो चौपेट नदी थी वह पूर्ण रूप से सूख चुकी है, जिसके बाद उन्हें पानी की काफी समस्याएं आ रही है, जिसका निराकरण कलेक्टर महोदय से करने के लिए उन्होंने गुहार लगाई। साथ ही जिला कलेक्टर राजेश जैन ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए निर्देशित किया। समस्या ये है, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से पानी नहीं है, चौपेट नदी सूख गई है पूरी तरीके से और फसलें बर्बाद हो रही हैं किसानों की, और हम कई बार आज के 8 रोज पहले भी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का हल नहीं हुआ है। आपने कलेक्टर साहब से बात करी है? जी हाँ, अभी करी है। कोई अधिकारी को बुला रहे हैं अभी PHE, वो जल विभाग के अधिकारी, 1 घंटा बाद मिलने को दोबारा बोला है। बमोरी तहसील के ग्राम फतेहगढ़ से आज एक दंपत्ति जनसुनवाई में पहुंची। बता दें कि उक्त महिला दिव्यांग है पर उसे किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांग महिला के पति ने बताया कि वह लगातार प्रशासन से संबंध में निवेदन कर रहे हैं पर उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि इस दंपत्ति के 3 बच्चे भी हैं जिन्हें वह किसी भी योजना का लाभ न मिल पाने के अभाव में सही से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। दूसरे से
हमने तीन बच्चे ना तो जमीन है ना हमको घर रहने को लाने हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चों को भी किससे पढ़ाएं, हमारे पास पैसा नहीं है इतना ये कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना कोई भी काम कर सकते हैं। राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास, तो गेहूं भी नहीं मिलते हैं। अब इनको खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, इनको पढ़ाना चाहता हूं, बच्चों को भी आगे मैं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अभी आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते, सब बेलदारी करते हैं। आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या कहा है? हम कलेक्टर साहब के पास तीन बार हो गया, तीसरा चक्कर है यहाँ, हमारी कोई पहले से सुनवाई। हिमाचल प्रदेश व गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर चलाई आतिशबाजी। वहीं रात के समय राघोगढ़ में भाजपा की चांचौड़ा विधायक ममता मीना व जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारीख पहुंचे, जिसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए एवं जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारीख ने कहा कि हम आने वाले चुनाव में राघोगढ़ में भी इतिहास रचेंगे। साथ ही कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी व अमित शाह के नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है। इस ऐतिहासिक विजय को हम राघोगढ़ में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में इसको मनाएं, इसलिए मनाएं कि ये जो जीत हुई है गुजरात में वंशवाद के खिलाफ हुई है, जातिवाद के खिलाफ हुई है। उपस्थित चाचौड़ा के विधानसभा के विधायक बहन ममता जी, मंडल अध्यक्ष भाई राजीव नायक जी, मेरे साथ आए हुए जिले के महामंत्री भाई अशोक जी, हम राघोगढ़ में भी रखें और आने वाले समय में, आज के समय सब कार्यकर्ता एक बात का संकल्प ले, बिना डर भय और प्रलोभन के हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक इतिहास लिखेंगे। आगे आने वाले समय में 24 वार्डों में नगर पालिका अध्यक्ष सही विजय प्रदान करेंगे। दूसरा ये विचार करें कि हमारे सोचने का समय है, पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, गुजरात जा रहा है, बिहार जा रहा है, इस प्रकार से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों ना हम। राघोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।